फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की बैकी को देखते हैं, जिस कहानी की मेन कैरेक्टर है, जिसे एक घर में लाया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक कपल से हुई जो उसकी सुटेलियन वॉमडेड बनने वाली थी, क्योंकि वो बैकी को आज गोद लेने वाली थी, इसीलिए उसे यहां लाया गया। यहां बैकी के चेहरे को देखने से लग रहा था कि वो बदली हुई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी और उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर को छुपा हुआ था। उसकी सुटेलियन वॉमडेड भी बैकी को देखकर काफी खुश हो जाती है। यहां वो अपने इस नए घर में अपने डॉग के साथ आई थी। रात को उसकी वॉमडेड खाना खाने के लिए उस टेबल पर बुलाते हैं। कहने लगे कि आज से हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी रहन सहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जो सुनकर बैकी उनकी तारीफ करती है। कहने लगी कि मैं आप लोगों के पास आकर बहुत खुश हूँ, जो सुनकर उसकी मॉम डैड भी खुश हो गई। अब जब ये लोग खाना शुरू करने लगे तो बैकी कहती है कि खाना खाने से पहले हमें दुआ मांग लेनी चाहिए, जो सुनकर उसकी मॉम डैड काफी मुतासिर हुई। ये सोचते हैं कि बैकी काफी अच्छी और नेक लड़की है, वो यार ज्यादा ही थी और जैसे कोई छोटी बच्ची हो और मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतने भी मासूम नहीं थी। बैकी को एक कमरा दिया जाता है जहाँ वो आराम से सो सके। उसकी मोम जब उसे गुड नाइट बोलकर सोने के लिए जा रही थी तो उन्हें वो मोम कहकर बुलाती है, जो सुनकर उसकी मोम को इतना अच्छा लगा कि खुश होते हुए वो वहाँ से चली गई। जिनके जाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट झट से बदली और वो एकदम सीरियस हो गई, जिसके बाद वो अपने डॉग को लेकर यहाँ से भाग जाती है। और फिर ऐसी वो बहुत सारे अलग अलग घरों में गोद ली गई और ऐसी भागती गई, क्योंकि उसे आदत थी ऐसे उल्टे सीधे काम करने की। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जिसकी बैकी से दोस्ती हो गई और वो अब उसके घर रहना शुरू कर देती है, क्योंकि वो औरत उसे गोद ले चुकी थी, जिसके बाद उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ बैकी हमें बताती है कि एक दिन कुछ नाजी टेररिस्ट यानी दहशत गर्दों के ग्रुप ने मेरे घर पर हमला करके मेरी मोम डैड को मार डाला, क्योंकि वो लोग एक खुफिया चाबी की तलाश कर रही थी। वो चाबी हमारे घर में छुपी हुई थी जो अब मेरे पास थी, तो मेरी मोम डैड को मारने के बाद उन्होंने मुझे भी कैद कर लिया, लेकिन फिर मैंने उनको मार डाला और मैं उनकी कैद से भाग गई। दिखाया गया कि बैकी आज भी लड़ने के लिए तैयार है। वो जंगल में जाकर जबरदस्त ट्रेनिंग करती है, जिससे वो काफी अच्छी तरह लड़ना सीख गई। अब जिस औरत के साथ वो रहती थी उसका घर जंगल के पास ही था, इसलिए बैकी ने वहाँ ट्रैप यानी जाल भी सेटअप की हुई थी ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके। अब बैकी उस बुरी औरत के साथ खाने के लिए बैठी होती है जिसने उसे गोद लिया हुआ था, पर वो बैकी से प्यार नहीं करती थी। उसे भी समझ नहीं आती कि आखिर इस औरत ने मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, जबकि ये मुझे अपने बेटे की तरह नहीं समझती, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसलिए बैकी उससे पूछ लेती है कि आपने आज तक मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। इस पर वो औरत बताती है कि बात ये है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद लिया ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको, बस इससे ज्यादा और मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हें साथ रखना बस मेरी मजबूरी है। अब बैकी उस होटल में चली जाती है जहाँ वो वेट्रेस की जॉब कर रही थी, क्योंकि इन्हीं कमाए हुए पैसों से वो उस औरत और अपने डॉग का ख्याल रखती थी। वो आज अपना काम रही थी तो एक आदमी उसे स्वीटहार्ट कहकर बुलाता है, जो अक्सर हम किसी को प्यार से कह देते हैं, जो सुनकर बैकी को अजीब लगा, इसलिए वो फौरन आदमी को कहती है, एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो, मेरा नाम बैकी है तो मुझे इसी नाम से बुलाओ। अब ये सुनकर आदमी को भी अपनी बेइज्जती लगी, इसलिए वो बैकी को भी बुरा भला बोलने लगा। अब उसे तो इतना गुस्सा आ गया कि वो सोचती है काश कि मैं प्लेट लेकर इस आदमी का गला काट दूं, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके यहाँ से चली जाती है। घर आकर रात के वक्त उस औरत के साथ गेम खेलने लगती है और से पूछती है कि आखिर आप इतनी अकेली कैसे रह गई। तब वो औरत बताती है कि मेरे चार भाई थे जिनमें से तीन की मौत हो गई, पर जो एक भाई जिंदा है वो मुझे पूछता तक नहीं। जब मैं 9 साल की थी तो मेरी मॉम की मौत हो गई, फिर जैसे मैं 15 साल की हुई तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहती थी तो मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती थी। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी रेडियो पर खबर आती है कि उनके शहर में एक टेररिस्ट ग्रुप घुस आया है, तो जरा अलर्ट रही, कुछ भी गड़बड़ लगे फौरन बताएं, क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके यह तबाही मचाने आया है। अगले दिन हम एक गाड़ी में तीन लड़कों को देखते हैं जिनकी गाड़ी पर नाजी का झंडा लगा हुआ था। वो तीनों उस होटल में आकर रुकते हैं जहाँ बैकी काम किया करती थी। ये तीनों काफी बुरे थी जो बैकी को ऑर्डर देकर उसके साथ मजाक करने लगते हैं, जैसे उसका मजाक बना रहे हूँ। फिर उन्होंने बैकी की मोम डैड के बारे में उल्टी सीधी बातें की जो करके वो हंसने लगी। अब यहाँ भी उसे गुस्सा तो आ रहा था पर वो खुद पर कंट्रोल रखती है। ऑर्डर देने के बाद जब वो टेबल पर बैठी थी तो बैकी उनकी बातें सुनने लगती है जो डेरियल नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रही थी, जिसने किसी खास मकसद के लिए इन तीनों को यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो इन तीनों से अपना कोई काम लेना चाहता था।
अब उनमें से जो सबसे बुरा था वो काफी बदतमीजी से कहता है, कितनी देर हो गई है, जल्दी से ले आओ कॉफी। अब बेकी का गुस्सा तो इन पर पहले से ही था, ऊपर से उसे इसका बोलने का अंदाज पसंद नहीं आया, इसीलिए वो दोनों को कॉफी देने के बाद जानबूझकर कॉफी उस पर गिरा देती है, जिस बात से वो भड़क गया और बेकी को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब यहाँ उसे बुलाना ही लगता बल्कि वो यही कह देती है, ओ सॉरी सर, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया मैंने। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली गई और उसके मुंह पर हम एक अजीब सी मुस्कुराहट को नोटिस कर लेती है। अब वो बुरा इंसान जानता था कि बेकी ने ये जानबूझ के किया ताकि हमसे बदला ले सके, हमने उसकी इतनी बेइज्जती जो की थी, इसलिए वो होटल के बाहर रुककर उसकी छुट्टी का इंतजार करने लगी ताकि उसे सबक सिखा सके। अब जब बेकी को छुट्टी हुई तो वो अपनी साइकिल लेकर घर जाने लगती है और वो तीनों जब उसे जाता हुआ देखती है तो उसका पीछे करने लगी। अब रात के वक्त बेकी हाथ में नाजी की चाबी लेकर उसको देखने लगती है। जब सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक घर में कांच टूटने की आवाज आती है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की तोड़कर अंदर घुसाया हो। आवाज सुनकर वो नीचे चेक करने आई पर वहाँ तो कोई भी नहीं था, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से वो बुरा आदमी आकर उसे दबोच लेता है, जोर से उसका मुंह पकड़ लेता है। अपने बचाव में बेकी पीछे की तरफ अपना सर मारती है जो उस आदमी की नाक पर लगा, जिससे उसका खून बहने लगता है। फिर दूसरा लड़का उस पर गन तान के कहता है कि शांत खड़ी रहो, कोई इशारे करने की जरूरत नहीं है। ये देखकर बेकी का डॉग उस पर हमला करने के लिए आगे आया, लेकिन वो उसे बेसबॉल बैट से मार मार कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो बेकी पर गन तान कर उसे परेशान करने लगते है, कहते हैं कि आज अपना बदला लेकर ही जाएंगी। पर तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत गन लेकर आ गई जो उन पर तान कर कहती है कि अपने गन नीचे रखो और मेरा घर छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो लड़का गन नीचे रख देता है, लेकिन जो सबसे बुरा आदमी था उसे बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो गन उठाकर बूढ़ी औरत को शूट करके जान से मार डालता है। ये देखकर बेकी काफी घबरा गई, जोर से चिल्लाने लगती है और उन लोगों पर हमला करने के लिए फौरन उठी, लेकिन वो बुरा आदमी उसे थप्पड़ मारकर साइड में धक्का देता है। बेकी एक जगह पर टकराई और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी जिसने इतने अरसे से बेकी को अपने घर में रखा हुआ था। यहाँ बेकी को अपने डैड का ख्याल आया कि वो भी मेरा ऐसे ख्याल रखती थी जैसे इस औरत ने रखा, लेकिन फिर उन टेररिस्ट ने डैड को मार दिया, जैसे आज वो बुरे लोग इस औरत को मारकर चली गई। तभी बेकी को अपने डॉग का ख्याल आया, इसलिए वो बाहर आकर डॉग को आवाज लगाने लगी, पर उसे पता चला कि वो लोग तो उसे अपने साथ ले गए हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और अब वो और जोर से चिल्लाती है और उन लोगों से बदला लेने का सोचती है। उधर वो तीनों डैनियल के घर पहुंचे जिसने इन्हें एक काम के लिए बुलाया था। अब इन तीन लड़कों में एक लड़का अच्छा था जो इस तरह के कामों से दूर ही था, बस इनका दोस्त होने की वजह से इनके साथ रहता था, यानी वो शरीफ था। इनसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, तुमने छोटी सी बात पर उस औरत की जान ले ली और अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो बुरा आदमी उसे गले से पकड़ कर कहने लगा कि सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि हम तीनों ने मिलकर मारा है उसे, समझ आई, तो हम तीनों बराबर के कसूरवार हैं और अब तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना, यहाँ तक कि डैनियल को भी कुछ न बताना, वरना तुम लोगों के साथ भी अच्छा नहीं होगा, मुझे तो वो मारेगा ही, साथ में तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। बेकी बुरी औरत के कमरे में जाकर उसका सामान चेक करने लगी। बेकी को उसकी कुछ तस्वीरें मिली जिनमें वो अपने हस्बैंड और भाइयों के साथ थी। ये सामान देखकर उसे औरत के लिए और बुरा लगा। वो उसकी लाश को अपने घर के पिछले हिस्से में ही दफना देती है। उसके कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद वो यहाँ कसम खा लेती है कि मैं इसकी मौत का बदला अब लेकर ही रहूंगी। वो अपने कुछ ट्रैप्स इन्हें जाल तैयार करती है उन बुरे लोगों को उसमें फंसाने के लिए ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके, जिसके बाद लाल रंग के कपड़े पहन लेती है क्योंकि ये उसका पसंदीदा रंग था, और दोबारा से अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। वो यहाँ डैनियल के बारे में सर्च करती है कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि वो तीनों डैनियल के बारे में बात कर रही थी, जहाँ उसे पता चला कि शहर में डैनियल नाम के बस दो ही लोग रहते हैं। इसीलिए पहले वाले के पास जाती है जहाँ उसे एक बुरी औरत मिली। बेकी उसे पूछती है कि आपका नाम डैनियल है, जिस पर वो जवाब देती है कि हाँ मैं डैनियल ही हूँ, पर तुम्हें क्या काम है उससे। बेकी पूछती है कि आपसे तीन लोग मिलने आए हैं, जिस पर वो कहती है कि नहीं, तीन लोग तो क्या, मुझसे तो कभी एक इंसान मिलने तक नहीं आया, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ये सुनकर बेकी समझ जाती है तो फिर जरूर वो दूसरा डैनियल होगा। जब भी उसके घर के पास पहुंची तो वह झील किनारे था, और जब उसकी नजर ऊपर गई तो वहाँ नाजी का झंडा देख लेती है और समझ गई कि यही असली डैनियल है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि नाजी टेररिस्ट है, इसीलिए वो उनके घर के चारों तरफ ट्रैप्स लगाने लगती है। उसका अंदाजा बिल्कुल सच था, क्योंकि इस घर में हम डैनियल को देखते हैं जहाँ वो अपने लोगों के साथ था। वो और उसके लोग क्योंकि टेररिस्ट है तो काफी खतरनाक थी। यह डैनियल के साथ वो तीनों भी बैठी हुई थी। डैनियल उनसे कहता है कि पहले खाना खाएंगे फिर बाद में बात करेंगे, जिस पर वो लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। डैनियल
उन्हें खाना देता है और वो सब खूब मजे से खाना खाती है। यहाँ वो नोटिस करता है कि जो शरीफ लड़का था वो काफी परेशान लग रहा था और वो खाना भी नहीं खा रहा था। तब डेनियल उससे पूछता है, क्या बात है भाई, खाना क्यों नहीं खा रहे, कि तुम्हें भूख नहीं लगी? इस तरह वो कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। यहाँ वो सारे लोग डेनियल को सर कह के बुलाती है। इस पर वो जवाब देता है कि मैं कोई सर्वर नहीं हूँ बल्कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। और कैसा शरीफ, ये तुम लोग जानते ही हो। उसकी इस बात से यह साबित हो गया कि ये टेररिस्ट ग्रुप है जो यहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करके कुछ बड़ा करने आए हैं और डेनियल इन सबका लीडर है। अब यहाँ डेनियल बेकी के डॉग को देखता है जिसे इन लोगों ने पिंजरे में बंद करके रखा था। तो वो तीनों से पूछता है कि इस डॉग को यहाँ क्यों लाई हो, क्या कहानी है इसकी। इसमें वो बुरा आदमी बताता है कि ये डॉग एक लड़की का है जिससे बदला लेने के लिए हम उसके डॉग को यहाँ ले आए हैं ताकि उसे सबक सिखा सके कि उसे हम लोगों से नहीं उलझना चाहिए था। अब बेकी इनके घर के पास आ गई थी जो छुपकर इनकी बातें बड़े गौर से सुन रही होती है। वो भी पिछले रास्ते से जाकर एक कमरे के पास आ गई जिसकी खिड़की खोलकर वो अंदर दाखिल हो जाती है। टेबल पर पड़ी वो बहुत सारे फाइल्स को देखती है जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर धमाके करने आए हैं। तो वो उन फाइल्स की तस्वीरें बनाकर और भी छानबीन करने लगती है। अब शरीफ लड़का जब वॉशरूम में जा रहा था तो डेनियल भी उसके पीछे जाने लगता है। एक जगह रोकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसीलिए अब मुझे सच बताओ कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इस तरह फिर से मना कर देता है कि नहीं कुछ भी नहीं ऐसा वैसा। इसके बाद डेनियल उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगा और क्योंकि बेकी उसे कमरे में थी इसीलिए उनकी आने की आवाज़ सुनकर जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। डेनियल उसे वो फाइल सिखाकर अपना प्लान बताता है। लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाकर उसे खुफिया जानकारी देता है कि हमें ऊपर से ये ऑर्डर्स मिली हैं कि इस जानकारी को शेयर के हर हिस्से में फैलाकर दहशत पैदा करो जिसके बाद हम उन सब जगहों पर धमाके कर देंगे। अब बेकी उनकी ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान हो रही थी। फिर उनके जाने के बाद वो खुद लैपटॉप पर बैठकर पेन ड्राइव के अंदर की इन्फॉर्मेशन को देख लेती है और उसे इनके प्लान के बारे में और अच्छे से पता चल जाता है जिसके बाद वो पेन ड्राइव पूरी चुरा कर यहाँ से भाग जाती है क्योंकि ये उसके काम आ सकता था। यहाँ से वो सीधा उनके शेड में गई जहाँ उसे बहुत सारे हथियार और अलग अलग किस्म की औजार मिलती है जिन सबको वो अपने पास रख लेती है अपनी हिफाजत के लिए। इन चीजों में बहुत सारे गन्स और बॉम्ब्स भी शामिल थी। जो सब लेने के बाद बेकी वहाँ से निकल गई। बाहर आने के बाद वो उनके दरवाजे की बेल बजाती है। डेनियल जब चेक करने बाहर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था लेकिन जब वो अंदर आने लगा तो उसे अपने पैर के पास फोन पड़ा हुआ मिला। उसने जैसे फोन हाथ में लिया उस पर बेकी की कॉल आ जाती है और फोन पर भी बेकी का नाम लिखा हुआ था जो देखकर डेनियल काफी हैरान रह गया। अंदर आकर उन सबसे पूछता है ये बेकी कौन है, क्या सीन है इसका। तो वो लोग यहाँ बता देती है कि असल में बेकी वही लड़की है जो हमसे पंगा ले रही है और लग रही है हमसे। खैर डेनियल फोन उठाता है और उससे बात करके पूछता है कि अगर अब तुम क्या चाहती हो। इस पर वो कहती है कुछ खास नहीं और हाँ तुम्हारा पेन ड्राइव मेरे पास है, अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो चुपचाप मेरे डॉग को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर डेनियल काफी हैरान रह गया कि पेन ड्राइव उसके पास कैसे गया। दिमाग लगाकर वो ये अंदाजा लगाता है कि जरूर वो चुरा कर ले गई होगी और क्योंकि वो घर के अंदर आई थी तो घर के आस पास ही होगी, पर पेन ड्राइव उसके पास होना बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता था। इस पर वो बुरा इंसान डेनियल को कहता है कि आप फिक्र ना करो वो आस पास ही होगी, तो मैं बाहर जाकर उससे बात करता हूँ। वो जब बाहर आया तो उसे बेकी दिख गई जिसका वो पीछे करने लगता है। फिर उस पर पीछे से एक गन तान कर कहता है कि तुम जानती नहीं हम कौन लोग हैं और तुम किन लोगों से उलझ रही हो। ये कहकर वो जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है बेकी की ट्रैप में फंसकर सीधा एक गड्ढे में जाकर गिरता है। उसकी गन बाहर ही रह गई जिसे उठाकर वो उसकी तरफ ही तान देती है। अब वो किसी तरह उसके पास पहुँच कर टेप से उसका मुँह बांध देती है और टेप के जरिए मुँह में बॉम्ब चिपका देती है। बॉम्ब की पिन को धागे से बांध कर उन लोगों के दरवाजे से बांध देती है। इसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया जिस वजह से डेनियल बाहर आया। अब जैसे दरवाजा खुला ताला खिंचने से बॉम्ब की पेन निकल गई जिससे उस बुरे आदमी का सर बॉम्ब के साथ वहीं फट गया और ऐसे उसकी इतनी बुरी मौत हो जाती है। ये देखकर डेनियल और उसके साथी काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि समझ गई थी कि बेकी कोई आम लड़की नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक है और उसके इरादे उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसके पास मास्टर माइंड है और अपने दिमाग का ऐसे इस्तेमाल करके इस तरह उसने उनके साथी को मार दिया। अब जाहिर है वो इनके लिए भी खतरा थी तो ये लोग समझ जाते हैं कि अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं, पर इस वजह से डेनियल को गुस्सा आ गया। वो बचे हुए दोनों लोगों पर गन तान के पूछता है कि अब मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने और क्या क्या किया कि वो लड़की बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गई जो हमारी सरों पर मौत की तरह मंडला रही है। इस पर वो शरीफ लड़का यहाँ सारी बात सच सच बता ही देता है, कहने लगा कि मेरे इन दो साथियों ने बूढ़ी औरत को मार दिया जो शायद बेकी की दादी थी, इसीलिए वो यहाँ आई उनकी मौत का बदला लेने के लिए। आगे वो कहता है कि अब मैं यहाँ से बाहर जा
बुला रहा हूँ ताकि सारी बात पुलिस को बता दूँ, क्योंकि जो इन्होंने उस बुरी औरत के साथ किया सच में बहुत गलत था। हालांकि वो सारे लोग उसे ऐसा करने से मना कर रही थी पर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। ये देखकर डेरियल का दिमाग खराब हो गया, इसलिए उसके पास जाकर उसका सर मरोड़ देता है जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूटती है और वही उसकी मौत हो जाती है। अब बैकी दोबारा डेरियल को कॉल करती है। देने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, पेन ड्राइव चाहिए तो मेरा डॉग वापस दे दो। ये सुनकर डेरियल के एक आदमी को बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए वो बाहर जाकर जोर जोर से कहने लगा कि बैकी तुम जहाँ कहीं भी हो सुन लो मेरी बात, तुम्हारी मौत पक्की है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब दूर बैठी बैकी उसे देख रही थी, उसने हाथ में तीर पकड़ा हुआ था जिससे वो सीधा उस आदमी पर वार कर देती है, जो तीर उस आदमी के मुंह के आर पार हो जाता है। उसकी मौत तो नहीं होती पर ऐसा होने से उसे काफी तकलीफ होने लगी, इसलिए वो जल्दी से अंदर आ जाता है। डेरियल उसका तीर निकालता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगा, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आने लगता है। डेरियल उसे समझाता है कि तुम परेशान ना हो, उसे मैं पकड़ लूंगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बैकी से बदला लेने के लिए बाहर निकल जाता है। बैकी जानबूझकर उसके सामने आ गई, इसे देखकर वो उसके पीछे भागने लगा, वो भी भागी और उसे अपने पीछे शर्ट में ले जाती है। अंदर डेरियल बची हुई तीसरी बुरी लड़की को पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगा, कहता है ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ, तो तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो, तुम भी जाओ बाहर और कैसे भी करके बैकी को ढूंढ कर लाओ। अब वो बाहर आ तो जाता है पर गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गया क्योंकि उसे इस मसले में पड़ना ही नहीं था। डेरियल का जो आदमी शर्ट में बैकी के पीछे गया था वो उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उसे मारने लगा, लेकिन बैकी नीचे से उसकी तरफ वही वाला बॉम्ब फेंक देती है जिस वजह से उसे खांसी होने लगी। उसका दम इतना घुटा कि वो बाहर आ जाता है, तब बैकी भी उसके पीछे बाहर आ गई। बूढ़ा आदमी माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यहाँ एक टाइम पर बैकी उसे छोड़ने के लिए मान गई, लेकिन जब उसे याद आया कि ये तो नाजी है जिन्होंने मेरी फैमिली को नहीं बख्शा था, मेरी मोम डैड को मार दिया, तो आज इसकी फैमिली के लिए मुझे भी इस पर तरस खाना नहीं चाहिए। जो सोचकर वो खंजर से उस आदमी पर हमला करती है और बार बार उस पर वार करके कई टुकड़े कर देती है और ऐसे उसकी बहुत भयानक मौत हो जाती है। उसका सारा खून बैकी के ऊपर गिरा और वो पूरे खून से लथपथ हो गई। उसे मारकर वो खुश हो ही रही थी कि तभी सामने से उसे एक इंजेक्शन आकर लग जाता है जिससे वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है जिसके सामने डेरियल बैठा था। वो उसे कहता है तुम जानती नहीं हम कौन है, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, जो कहकर वो बैकी को उसका सारा सामान दिखाता है जो वो तैयारी करके आई थी और कहता है कि अगर तुम बता दो कि पेन ड्राइव कहाँ है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डॉग को छोड़ दूंगा। इस पर बैकी कहती है कि नहीं बताऊंगी, तुम एक टेररिस्ट हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। इतनी ही देर में यह डेरियल नाम की वही बूढ़ी औरत आ जाती है जिसके घर में बैकी सबसे पहले गई थी। उसे देख उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि बैकी को लगा था कि वो एक शरीफ औरत होगी, पर यहाँ वो भी इनके साथ मिली हुई है। यहाँ वो बूढ़ी औरत बैकी को बताती है कि असल में ये डेरियल मेरा बेटा है, इसलिए मैंने इसका नाम अपने नाम पर रखा, हम दोनों माँ बेटे का एक ही नाम है डेरियल, जिसके बाद वो बैकी के डॉग को बाहर निकाल कर उसे मारने की धमकी देती है और कहती है कि अगर इसे बचाना चाहती हो तो चुपचाप पेन ड्राइव को हमारे हवाले कर दो। अब अपने डॉग के लिए बैकी उन्हें पेन ड्राइव देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बैकी है उसके इतनी जल्दी मान जाने के पीछे भी कोई राज छुपाए, लेकिन क्योंकि वो राजी हो गई थी इसलिए दोनों माँ बेटा खुश होने लगी थी। पर हमें यहाँ पता चला कि इस दौरान बैकी ने खुद को रस्सी से आजाद कर लिया है। इस बात को पता चलते ही डेरियल उसके पास आने लगा, पर वो उसे टांग मारकर दौड़ गिरा देती है। अब जब डेरियल दोबारा उसके पास आने लगा तो बैकी जल्दी से स्प्रे उठाकर उसकी आंखों में कर देती है जिससे डेरियल को जलन होने लगी, तो वो जल्दी से वॉशरूम में आकर अपनी आंखें धोने लगता है। डेरियल की मोम बाहर बैकी पर गन बांधकर उसे जान से मारने की धमकी देती है, पर उससे पहले ही बैकी दो से चाकू उसकी तरफ फेंक के मारती है जो सीधा उसकी माथे पर आकर लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद बैकी जल्दी से यहाँ से भाग गई। अब जब डेरियल बाहर आया तो अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगा, उसे बैकी पर गुस्सा आ जाता है, तो वो जल्दी से बाहर आकर उसके पीछे भागने लगता है और बार बार गन से उसे शूट कर रहा था। पर एक जगह पर आकर बैकी रुक जाती है क्योंकि वो कुछ सोच रही थी। डेरियल उसे कहता है बस अब तुम्हारा खेल खत्म, बचकर कहाँ जाओगी, मैं अभी यहीं पर तुझे मार डालूंगा। ये कहकर वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया जिससे उसे इतनी दर्द हुई कि वो जोर से चिल्लाने लगता है। हड़बड़ी में वो जैसे ही दूसरा कदम आगे बढ़ाता है तो उसका वो पैर भी ट्रैप में फंस जाता है, इससे वो बेकाबू हो गया और फौरन नीचे गिर जाता है। पर नीचे भी उसका सर एक और ट्रैप में फंस गया और अब यहाँ वो पूरी तरह ट्रैप में फंसा हुआ था, जरा भी नहीं हिल सकता था। वो काफी जख्मी हो गया था, मरने ही वाला था कि बैकी से कहता है कि तुम मेरे जैसे इतने बड़े टेररिस्ट को भी नहीं छोड़ सकी, मान गया तुम्हें और तुमने
सारे ट्रैप्स बहुत अच्छे से सेटअप की, जो कहकर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बेकी उसके घर के अंदर जाती है अपने डॉग को छुड़वाने के लिए, पर ग्यारह डैनियल की मोम जिंदा थी क्योंकि सर पर वार करने से वो बच गई थी। उसे जिंदा देखकर बेकी अपने डॉग को हुक्म देती है कि जाओ और इस औरत को खा जाओ। डॉग ने ऐसे किया, वो जाकर उस औरत पर झपट पड़ा, जो देखकर बेकी यहाँ अपने डॉग की तारीफ करने लगी। इसके बाद 24 घंटे ऐसे गुजर गई। पुलिस को इस सारे हादसे की जब खबर हुई तो बेकी को पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे एक ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, जो उसे सवाल करती है कि तुम अभी 16 साल की हो लेकिन फिर भी तुमने टेररिस्ट के उस इतने बड़े ग्रुप को मार दिया। कोई शक नहीं कि वो लोग कितने खतरनाक थे, तो तुमने अकेले ये सब कुछ कैसे किया? इस पर बेकी बोली कि मैं इस सबकी ट्रेनिंग किया करती थी, वो भी बहुत सख्त किस्म की। उसकी बहादुरी पर ऑफिसर उसके सामने एक ऑफर रखती है कि ये तो हम मान गए, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत ही खास लड़की हो, तुम्हारी वजह से इस शहर में धमाके होने से बच गई क्योंकि तुमने उस टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करके उनकी इरादे नाकाम बना दिए और हमें सारी जानकारी लाकर दी पेन ड्राइव के जरिए। तो अब क्या तुम CIA में आकर एजेंट बनना चाहोगी? इस पर बेकी हाँ बोल देती है और इस तरह आज से वो एक एजेंट बन गई। इसके बाद हम बूढ़े आदमी के उस साथी को देखते हैं जो गाड़ी लेकर भाग निकला था, जो इस तरह जंगलों में कहीं छुपा हुआ था। वो जब गाड़ी में बैठा था तो उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि बेकी निकलती है, जो अब पूरी तरह एजेंट बन गई थी क्योंकि आज वो अपना पूरा हुलिया एजेंट जैसा ही बनाकर आई थी। उसे देखकर वो अपने घर निकालता है ताकि उसे शूट कर सके, पर बेकी के हाथ में तो बॉम्ब गन थी जिसके एक ही वार से उसकी गाड़ी धमाके के साथ फट गई और उसमें आग लग गई, जिसके साथ ही उस आखिरी साथी की भी मौत हो जाती है। ये करने के बाद बेकी कैमरा की तरफ देखती है और अब वो अपने अगले एडवेंचर के लिए निकल जाती है, जहां वो बुराई के खिलाफ ऐसे लड़कर जर्सी बुराई का खात्मा करती है। और उसके इसी इरादे के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।